हेलो एवरीवन वेलकम टू विद्यापथ एजुकेशन दिस इज़ कृष्णा इस वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक इंटरप्राइजेस के फीचर्स के बारे में पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पब्लिक इंटरप्राइजेस क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं मैंने एक ब्रीफ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी थी पब्लिक इंटरप्राइजेज के बारे में यहाँ पर हम एक एक पब्लिक इंटरप्राइजेज जितने भी टाइप के होते हैं जो मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था उनके अपने नेचर्स के बारे में बात करेंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को हिंदी में विभागीय उपक्रम भी कहा जाता है इसके कुछ मेरिट्स होते हैं जैसे सबसे पहले यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज मेरिट्स सारे दे रखे हैं आपको इन पॉइंट्स के अंदर क्या लिखना है वो यहाँ जो मैं समझाऊंगा उसको आपको प्रैक्टिस के लिए तीन से चार लाइन में तीन से चार लाइन में आपको अपने आंसर्स राइटिंग करने होंगे ठीक है सबसे पहला जो इनका मेरिट होता है जो इनके गुण होते हैं या लाभ होते हैं वो ये होते हैं कि ये सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए यानी कि फुलफिलमेंट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में बनाए जाते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में भी कि इनका जो पर्पज़ होता है बनाने का वो ये होता है कि सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके यानी कि जो सोशल नीड्स हैं जो सोशल नीड्स हैं इनके बारे में ये ज़्यादा जागरूक करते हैं चीज़ों को लेकर के समझ में गई बात जैसे कि अगर किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे किसी भी कंडीशन में सोसाइटी में किसी नीड को फ़ुलफ़िल करना है तो गवर्नमेंट आगे आती है सबसे पहले और आपने अक्सर देखा होगा कि जो प्राइवेट होते हैं ये प्रॉफिट मोटिव पे काम करते हैं जब तक इनको अच्छा खासा मार्जिन प्रॉफिट का नहीं दिखता है ये उस सेक्टर में अपने पाँव नहीं रखते हैं इसलिए ऐसे कई सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनमें गवर्नमेंट को पहले आना पड़ता है जब वहाँ गवर्नमेंट आकर के बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देती है तो गवर्नमेंट ये देखती है कि प्राइवेट सेक्टर उसकी तरफ आ रहे हैं चूँकि हमारा जो स्ट्रक्चर है आपने पहले भी पढ़ा है आपने ये आप सब ये जानते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का वो है मिक्स्ड इकोनॉमी स्ट्रक्चर कैसा इकोनॉमी स्ट्रक्चर है मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट मिल के काम करते हैं ना कि एक दूसरे को टालते हैं ठीक है तो सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गवर्नमेंट क्या करती है सबसे पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का फॉर्म या बेनिफिट ये होता है कि ये सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में पता है कि हमारी जो रेलवे है जो रेलवेज़ है ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर आती है और रेलवे आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति कर रही है चाहे वो आ, पैसेंजर को लेकर के हो चाहे आपका ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के हो किसी भी तरह का बहुत सारे आप देखते होंगे कि मालगाड़ियाँ जिसे आप कहते हो वो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेस एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेही होते हैं आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होते हैं इनको बनाया जाता है गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट के अंदर यानी कि उस डिपार्टमेंट में एक मंत्री होता है जो मंत्रिपरिषद से चुनकर भेजा जाता है और उस मंत्री का पूरे डिपार्टमेंट पे एक तरह से आ, अधिकार होता है वो लाइबल होता है चीज़ों को लेकर के और आपको ये भी बताना है इस पॉइंट में कि रिस्पॉन्सिबिल टू लेजिस्लेचर का मतलब जिस लेजिस्लेचर के तहत उसकी स्थापना की गई है जो भी डिपार्टमेंट उसके लिए बनाया गया है उस डिपार्टमेंट पे ये जो मंत्री होगा ये सारी जिम्मेदारियां उठाएगा उसकी यानी कि ये सारी जवाबदेही अगर कुछ भी होता है तो इनको विधायिका जिसको आपके यहाँ संसद कहा जाता है संसद के तहत इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि रेलवे का बजट कितना था रेलवे किस तरीके से काम कर रही है रेलवे ने क्या क्या काम नए किए हैं ये सारी चीज़ों का जवाब इन्हें संसद में देना होता है तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर है कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण रहता है मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनकी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनका डायरेक्टली संसद संसद एक बात करें कि संसद का एक डायरेक्ट यहाँ पर इंटरफेरेंस देखने को मिलती है कि संसद वो देख सकती है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं और जो मंत्री होता है इस मंत्रालय का या यूं कहें जो मिनिस्टर होता है उसका डायरेक्टली कंट्रोल होता है अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का रेलवे को कितना काम कहाँ करना है कौन सा टेंडर पास करना है क्या चीज़ें करनी है इस पर डायरेक्टली गवर्नमेंट का या यूं कहें कि जो मिनिस्ट्री बनाई जाती है उसका डायरेक्ट इंटरफेरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है इससे धोखाधड़ी के चांसेस या यूं कहे माल प्रैक्टिस कम हो जाती हैं ठीक है अगला आपका है कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट रेवेन्यू अब आपको ये भी पता है कि जाहिर सी बात है अगर ये गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है तो गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू काफ़ी अच्छा खासा जनरेट होता है आपको पता होगा कि रेलवे का जो बजट होता है उसमें पहले रेलवे का बजट हमारे बजट से अलग आता था लेकिन अब इंडियन बजट में ही रेलवे बजट को भी लाया जाता है तो एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ देखने को मिलती है कि गवर्नमेंट का जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है वो काफ़ी ज़्यादा विभागीय क्रमों से आता है ठीक है गवर्नमेंट का जो ही तरह का टैक्स रेवेन्यू होता है सॉरी जो रेवेन्यू होता है एक टैक्स रेवेन्यू होता है जिसमें टैक्सेस के थ्रू इनकम देखी जाती है और एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसमें नॉन टैक्स यानी कि जो कर से ना होकर के अन्य जगहों से आया आती है उसके बारे में देखा जाता है तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में ये एक अच्छा एग्जाम्पल होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी इनकम है उसके पीछे मैंने एक वीडियो बना रखी है पब्लिक रेवेन्यू के नाम से आपको यहाँ आई बटन पे एक यहाँ वीडियो कॉर्नर पे दिखाई दे रही होगी उस पर जाकर के आप वो वीडियो चेक कर सकते हो तीसरी है लिटिल स्कोप ऑफ मिस यूज ऑफ फंड अब जाहिर सी बात है अगर किसी भी चीज़ पर डायरेक्टली गवर्नमेंट का या उसके किसी एजेंट या यूँ कहें कि किसी भी एक रिप्रेजेंटेटिव का अथॉरिटी uh, का उस पर अगर पकड़ है या यूँ कहें कि अगर उसका कंट्रोल है उसके ऊपर तो वहाँ पर आपका मिस यूज़ ऑफ़ फंड देखने को बहुत कम मिलता है अक्सर ये देखा जाता है कि जहाँ सेंट्रलाइज व्यवस्था होती है वहाँ पर मिसयूज ऑफ फंड कम होते हैं क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन होता है इससे इसमें कंट्रोल डिसीज़न मेकिंग का तो डिसीज़न मेकिंग अगर एक पॉइंट पे हो रही है तो उसको पता है कि सारे डिसीज़न कैसे लेने हैं ताकि फंड का मिस या यूं कहें जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनका मिसयूज़ कम से कम हो सके आई होप कि आपको ये समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं किसके जो डिमेरिट्स uh, हैं या यूँ कहें कि इनके जो uh, दोष हैं वो कौन कौन से हैं विभागीय उपक्रम का जो दोष देखने को मिलता है हमारे यहाँ पर वो सबसे पहला दोष है कि इसमें द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है यानी कि नौकरशाही की प्रभाव नौकरशाही का प्रभाव का क्या मतलब है सर ब्यूरोक्रेसी देखिए ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या जो भी जैसे आई ए एस हो जाते हैं जो आई और पी सी यहाँ पर जो अपॉइंट होते हैं इनकी ब्यूरोक्रेसी होती है और ब्यूरोक्रेसी को जहां पर गलत तरीके से नौकरशाही देखने को मिलती है वहां कहा जाता है एक वर्ड देखने को मिलता है रेड टेपिज्म एक बहुत वर्ड देखने को मिलता है रेड टेपिज्म ठीक है ये रेड टेपिज्म क्या है लाल फीता शाही आप समझते हैं यानी कि यहाँ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनका बोलबाला होता है यहाँ पर किसी भी प्राइवेट सेक्टर से अगर वो कॉम्बिनेशन एक तरह से अगर वो जुड़ते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर कहते हैं कि चलिए कुछ टाइम के लिए हम प्राइवेट के साथ काम कर लेंगे तो प्राइवेट वहाँ अपने आप को खुल खुल के सामने नहीं ला पाता क्योंकि नौकरशाही का इसमें क्या है इसमें नौकरशाही बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है अगर कोई इफ इन केस अगर कोई भी ऑफिशियल करप्ट हुआ तो यहाँ पर करप्ट ऑफिसर्स को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि नौकरशाही क्या होती है एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं वो एक दूसरे से साठगांठ कर सकते हैं कि भाई हम ऐसा करेंगे तो आपको ये सपोर्ट देना पड़ेगा तो कहा जाता है और आप अक्सर देखते होंगे आप बहुत सारे लोगों के मुँह से सुनते होंगे कि भाई गवर्नमेंट में तो बड़ा सा धांधली होती है और इस तरीके से पैसा फेंका जाता है ये किया जाता है या एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को कहूँ आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी आप रेलवे स्टेशन के अगल बगल कभी जाते होंगे तो आपको देखने को मिलता होगा कि बहुत सारी पत्थर या जिससे गिट्टी कहते हैं वो पड़ी होती हैं बहुत सारी जमीन जो है रेलवे कब्जा करके रखती है और उसका कोई यूज नहीं होता है तो एक तरह से देखा जाता है कि रेड टेपिज्म के डिसीजन के तहत ये भी देखा जा सकता है क्योंकि अल्टीमेटली एक ही लोगों को डिसीजन लेना है तो जो वो डिसीजन ले लिया वही डिसीजन आगे चल के फॉलो होगा ठीक है बात समझ में आ गई अगला करते हैं अगला है एक्सेसिव पार्लियामेंट्री कंट्रोल अब जो मैंने आपको पीछे बताया था कि पार्लियामेंट का इस पर डायरेक्टली कंट्रोल होता है तो ये भी देखने को मिलता है कि कुछ ज्यादा ही कंट्रोल करने रखती है पार्लियामेंट और यहीं पर देखने को आती है ब्यूरोक्रेसी अगर पार्लियामेंट किसी भी चीज़ में ज्यादा दखल अंदाजी दे, दे, देगी या केंद्रीयकरण या कहें, सेंट्रलाइजेशन है अगर उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन है तो सेंट्रलाइजेशन में एक चीज और देखने को मिलती है कि भाई जहां सेंट्रलाइजेशन होता है वहां पर डिसीजन मेकिंग पावर किसी एक के पास होती है और जब डिसीजन मेकिंग पावर किसी एक के पास होगी तो जाहिर सी बात है कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा सकता ठीक है और Uh, ज़्यादा संसदीय नियंत्रण ने, होने से ये भी होता है कि अगर आप इन डिपार्टमेंट्स में कोई भी चेंजेस करने की कोशिश करते हो तो आपको सबसे पहले पार्लियामेंट में उस चीज को लेकर के बहस करनी पड़ती है लोअर हाउस और अपर हाउस में ओके आगे है आपका लैक ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्टीज अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें प्रोफेशनलिज्म की कमी होती है अब सर ये प्रोफेशनलिज्म की कमी कैसे हो सकती है देखिए इसमें सिंपल सी बात होती है आपको सबको पता है आपको भी पता है हमें भी पता है कि अगर हम रेलवे का एग्जाम्पल लेके देखे देखें तो रेलवे में क्या होता है कि रेलवे में एक मंत्री होता है जो इसका हेड होता है जिसको रेलवे मिनिस्टर कहा जाता है आपको ये भी पता है कि हमारे यहाँ जो मिनिस्टर ये होता है ये लोकसभा से चुनकर जाता है लोकसभा के इलेक्शंस के लिए आप अगर पॉलिटी पढ़ते हैं या थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा लोकसभा के इलेक्शंस के चुनाव लड़ने के लिए आप यूं ही देख लो ना आपको कोई भी चुनाव लड़ने के लिए कोई भी अभी तक किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए कोई बेसिक या यूं कहें कि कोई रिक्वायरमेंट uh, नहीं है किस चीज़ की इसमें आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं समझ रहे हो आप मेरी बात को आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है और ये मंत्री अक्सर क्या होता है आपको अगर रेलवे मिनिस्टर बना दिया गया तो आपने कभी भी टेक्निकल नॉलेज नहीं ली आपने आपके पास कोई बीटेक डिग्री नहीं है ठीक है या आप किसी टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं आते हो कोई भी डिग्री जरूरी नहीं है मंत्री बनने के लिए आपको पता होना चाहिए ठीक है यानी यहाँ तक कि आप ग्राम प्रधान के इलेक्शन जो होते हैं ना कि ग्राम प्रधान के इलेक्शन के लिए आपको ये जरूरी नहीं है कि आपने ह्यूमनिटीज से या सोशल बैकग्राउंड से आपने कोई डिग्री ले रखी हो ठीक है तो आप अनपढ़ को भी मंत्री बनाया जा सकता है और यही कारण है कि यहाँ पर जो ये तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है लैक ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्टी यानी कि जो मंत्री है वो खुद ही पढ़ा लिखा नहीं है अगर तो वो रेलवे मिनिस्ट्री को कैसे करेगा और यही कारण है कि इस मंत्री के आसपास क्या होता है इस मंत्री के आसपास एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है आई और टी का जो इसको सलाह देते रहते हैं आसपास ठीक है अब प्रॉब्लम क्या आ रही है भाई सलाह लेने में सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं है इसको आ, जो कहते हैं ना बॉन्ड नहीं किया जा सकता कि भाई मैं जो कह रहा हूँ आपको मानना पड़ेगा मंत्री तो अपनी मन की मन की करेगा यही कारण है कि आपने लालू प्रसाद यादव के टाइम पे देखा था कि जो फेयर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा कम थे जो फेयर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा कम थे लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी फेयर कम होने से आपके रेवेन्यूज घट जाएंगे आपने देखा होगा बहुत सारे मंत्रियों पे घोटाले के चार्जेस लगे होते हैं ठीक है ना घोटाला लगा होता है कि भाई आपने घोटाला कर रखा है ठीक है तो इसका रीजन क्या होता है वो प्रोफेशनल नहीं है वो उनको उसके रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है इसलिए ऐसी चीजों में आप देखते हो कि पेशेवर की कमी हो जाती है ठीक है फिर आता है लैक्स ऑफ फ्लेक्सीबिलिटी मैंने आपको पहले भी कहा था यहाँ फ्लेक्सीबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन जब तब आपने चीज ऑर्गेनाइजेशन को छोटा या बड़ा कर लिया आपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है क्यों क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी करनी है आपको संसद या पार्लियामेंट में उससे रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशन प्रेजेंट करने होंगे बहस करनी होगी पास होगा पास होने के बाद वो लागू होगा आनसफिशियंट फंक्शनिंग अ कुशल काम जाहिर सी बात है लेट लती लेट लतीफा होता है भाई जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के काम में लेट होता ही होता है क्यों क्योंकि उसका प्रोसीजर जो होता है ड्यू ड्यू टू प्रोसीजर वो काफी लंबा होता है तो फंक्शनिंग भी बहुत लेट होती है ठीक है आपने देखा होगा आपके आसपास अगर मीटर गेज लाइन यानी कि जो या रेलवे की पटरी होती है वो दो तो तरह की होती है एक नॉर्मल होती है छोटी लाइन एक बड़ी लाइन कही जाती है तो जो मीटर गेज होती है वो बड़ी लाइन की कही जाती है तो जो मीटर लाइन मीटर गेज लाइन अगर बिछाने के लिए प्रस्तावित हो गया है या आ, इसको कह दिया गया है कि भाई अब ये मीटर लाइन बनने वाली है तो बनने में और प्रस्तावित कहने में बहुत टाइम लग जाता है ये गैप जो आ रहा है ना ये अकुशल कामकाज को दिखाता है तुरंत किसी एक्शन को नहीं लिया जाता है ठीक है आई होप कि आपको चीजें बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ समझ में आ रही है अब हम बढ़ेंगे मेरिट ऑफ स्टैचुचरी कॉरपोरेशन यानी वैधानिक निगम के मेरिट्स के बारे में उस दिन मैंने आपको बताया था ना तीन तरह के होते हैं एक होता है आपका सॉरी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड देन सेकंड इज स्टैचुरी कॉरपोरेशन और थर्ड वन इज गवर्नमेंट कंपनी तो अब हम पढ़ेंगे स्टैचुचरी कॉरपोरेशन यानी कि वैधानिक निगम के गुण अब वैधानिक निगम के गुण क्या है जाहिर सी बात है वैधानिक निगम है यानी कि इसको किसी विधान के तहत बनाया गया होगा कोई पार्लियामेंट में किसी तरह का एक रूल प्रस्तुत किया गया होगा या एक या एक रेगुलेशन के तहत इसको बनाया गया होगा तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा अलग होगा इसमें सब साफ साफ वहाँ विशेषज्ञों आपने पीछे पढ़ा ना विशेषज्ञ की कमी होती है यहाँ एक्सपर्ट मैनेजमेंट होता है क्यों क्योंकि रूल रेगुलेशन के तहत इसको बनाया जाता है और ये चीज़ जाना जाता है पहले से ही कि क्या कमियाँ हो सकती हैं तो एक्सपर्ट मैनेजमेंट होता है इसमें ठीक है यानी कि इसका जो मैनेजमेंट संभालता है वो एक्सपर्ट संभालता है बेसिकली आई एस की लेवल के अधिकारी जो सीनियर uh, मोस्ट होते हैं वो इसको संभालते हैं अगला है इंटरनल ऑटोनॉमी पिछले वाले में आपने पढ़ा था कि कोई ऑटोनॉमी नहीं देखने को मिली थी लेकिन यहाँ पर इंटरनल ऑटोनॉमी होती है यहां पर कुछ डिसीजन आपके निगम अगर चाहे तो कुछ डिसीजन वो अपने आप ले सकता है यानी कि वो स्वायत्त है वो स्वतंत्र है इस चीज़ को लेकर के कि ऐसा डिसीजन लेना है तो उसको गवर्नमेंट से नहीं पूछना पड़ता वो खुद डिसीजन मेकिंग कर सकता है कुछ मामलों में ठीक है यानी कि इंटरनल जितने भी मामले होंगे कि कंपनी को कैसे बढ़ाना है कंपनी के अंदर कोई चेंजेस लाने हैं तो क्या सलाम बड़े चेंजेस नहीं होने चाहिए छोटे चेंजेस होने चाहिए अगला है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पार्लियामेंट इसकी भी रिस्पॉसिबिलिटी पार्लियामेंट के पास होती है यानी कि इसके जितने भी कामकाज होंगे इनकी रिस्पॉसिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जो भी होगी वो संसद को देखनी पड़ती है यूं कहें कि पार्लियामेंट उससे संभालता है आई होप कि समझ में आया फिर आता है इजी टू राइज फंड इनके लिए फंड जुटाना आसान होता है क्योंकि ये पब्लिक से भी फंड इकट्ठा कर सकते हैं बात समझ में आ गई इनको हर चीज के लिए गवर्नमेंट के पास नहीं वो दिया जाता है कि भाई आपको हर चीज की गवर्नमेंट ही से ही फंड लेना होगा दूसरी चीज मैंने आपको बताया था ना यहां पर इंटरनल ऑटोनॉमी तो इंटरनल ऑटोनॉमी में फंड रेजिंग इनका एक इंटरनल ऑटोनॉमी भी होती है इनको फंड रेजिंग के लिए आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता गवर्नमेंट से बार बार बल्कि ये चाहें तो खुद से ही फंड रेजिंग कर सकते हैं या लोन ले सकते हैं बैंक से ठीक है बात समझ में आ गई अगला है प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट अब आपको पहले भी पिछले वाले में भी बताया था कि वहां गवर्नमेंट रेवेन्यू को बढ़ाया जाता है यहां पर प्रमोशनल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट राष्ट्रीय हित में काम करती हैं आपको पता होगा कई बार क्या होता है हमारे यहाँ जो एल आ गया है एल हो गया है जो लिबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन तो इसकी वजह से फॉरन सेक्टर्स बहुत आते हैं हमारे यहाँ जब फॉरन सेक्टर्स आते हैं तो उनसे कॉम्पिटिशन तेज हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि एक ऐसा नेशनल इंस्टीट्यूट चाहिए होता है जो हमारे राष्ट्र के लिए काम करे अल्टीमेटली वो जो भी पैसा कमाए वो हमारे राष्ट्र में आए ना कि राष्ट्र से बाहर चला जाए तो वहाँ पर राष्ट्रीय हित का काम करना इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इन इंस्टीट्यूशन के होने से ठीक है आगे बढ़ते हैं इनके डिमेरिट्स पे डिमेरिट्स क्या है भाई इनमें डिमेरिट्स हमको तीन देखने को मिलते हैं पहला है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस चूँकि गवर्नमेंट ने बनाया है तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस तीनों में देखने को मिलेगा आपको सरकारी हस्तक्षेप कुछ ज़्यादा ही होता है सरकारी हस्तक्षेप कैसे होता है अगर गवर्नमेंट आई और उसको लगा कि हाँ इस फला निगम के जो इस समय हेड हैं वो हमारी बातों को नहीं मान रहे हैं ज़्यादा तरीके से या हमारे रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो फट से हटा देगी इसमें अपॉइंट किया जाता है याद रखना गवर्नमेंट चाहे तो तुरंत हटा सकती है उसे अगला है रिजिडिटी होती है कठोरता होती है इनके काम में आपको देखने को मिलता है कि अगर ये कोई रूल रेगुलेशन चूंकि कठोरता क्यों है भाई रूल रेगुलेशन फॉलो करने ही करने हैं आपको ये पता होना चाहिए कि जो इनको बनाया ही किसी वैधानिक निगम यहाँ याद रखना वैधानिक का मतलब विधान विधान का मतलब होता है रूल रेगुलेशन या रेगुलेशन और निगम की जगह यहाँ नियम लिख लेना तो याद रहेगा आपको कि वैधानिक नियम निगम जो होते हैं विधान वैधा, के नियम के द्वारा बनाए जाते हैं अब जाहिर सी बात है विधान के नियम से बनाए गए हैं यानी कि रूल रेगुलेशन है कोई इनमें और रूल रेगुलेशन को फॉलो करना ही पड़ेगा जिसके लिए इनके अंदर कठोरता देखी जाती है कि ये रूल रेगुलेशन कभी कभी इस हद तक फॉलो करते हैं कि अगर थोड़ा सा Uh, इनको जो uh, कैसा लॉस भी हो रहा हो तो इनको उठाना ही पड़ेगा ठीक है जो कि अल्टीमेटली एक कारण बन जाता है किसका इंडस्ट्रियल सिकनेस का आपको पता होगा ये वर्ड सिकनेस औद्योगिक रुगड़ता जिसे कहते हैं औद्योगिक रुगड़ता कहते हैं बीमारी जब उद्योग में कोई बीमारी लग जाती है तो उसे औद्योगिक रुगड़ता कहते हैं अब अगला आ रहा है इग्नोरिंग कॉमर्शियल अप्रोच अब जाहिर सी बात है यार ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो कॉमर्शियल अप्रोच को बहुत ज्यादा इनमें निगलेक्ट किया जाता है कॉमर्शियल अप्रोच क्या है सर कॉमर्शियल अप्रोच का मतलब होता है कॉमर्स वाणिज्य से रिलेटेड लेन देन से रिलेटेड चीजों से रिलेटेड इसमें क्या होता है उपेक्षा की जाती है यानी कि यहाँ ये पॉइंट कहने की कोशिश कर रहा है कि प्रॉफिट को कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया जाता है ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं लेकिन प्रॉफिट ये कम कमाने की कोशिश करते हैं या कम कमा पाते हैं क्यों क्योंकि ये बहुत ज्यादा या यूं कहें हंड्रेड अपनी कैपेसिटी को यूज़ नहीं करते हैं अब ये क्या लॉजिकल रीज़न हुआ कि सर प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं जाहिर सी बात है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो प्रॉफिट तो कम ही कमाएगा भाई प्रॉफिट कमाना कम कमाना नहीं है यही तो मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको आज के टाइम पहले के टाइम पे होता था गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करती थी तो कहते थे कि सोसाइटी का वेलफेयर करना है सोशल वेलफेयर करना है ठीक है मान गए चलो सोशल वेलफेयर करना है लेकिन आज के टाइम पे सोशल वेलफेयर प्लस प्रॉफिट लेके चलना है भाई गवर्नमेंट को अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो ये भलाई भी रुक जाएगी एक ना एक टाइम पे तो ये इसलिए ये कॉमर्शियल अप्रोचेस को थोड़ा कम अपनाते हैं इसलिए इनके अंदर ये दोष देखने को मिलता है आगे बढ़ते हैं अगला है हमारा गवर्नमेंट कंपनीज की मेरिट अब मैंने कहा था गवर्नमेंट जितनी भी कंपनीज होती हैं इनकी मेरिट्स क्या होती है सिंपल सी है सिंपल प्रोसीजर टू स्टेब्लिशमेंट अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट आई सी ए टू थाउजेंड थर्टीन के बेसिस पे आप किसी भी कंपनी को इस्ट कर सकते हैं इसलिए गवर्नमेंट कंपनी को करना काफ़ी कोजी होता है ये इसका एक मेरिट है दूसरा है वर्किंग ऑन बिजनेस लाइन व्यवसायिक कुशल होते हैं जाहिर सी बात है यार एक कंपनी अब यहां पर देखिएगा पिछले वाले में आपने देखा ना कि किमर्शियल अप्रोच को थोड़ा कम देखा गया तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना गवर्नमेंट कंपनीज बनाई जाती हैं तो गवर्नमेंट कंपनीज को बनाया ही इसीलिए जाता है कि आप बिल्कुल फेयर तरीके से प्रॉफिट कमा सकती हूँ और प्रॉफिट कमाइए आप कॉमर्शियल एक्टिविटीज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करिए खूब अच्छे से ठीक है तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कोशिश की कि भाई हमें एक ऐसा बिजनेस लाइन भी चाहिए जो ये ना देख के काम करता हो कि हमें सोशल वेलफेयर करना है अल्टीमेटली उसका पर्पज सोशल वेलफेयर करना है बट प्रॉफिट को वो आगे रखेगा ठीक है अगला है इफिशियंट मैनेजमेंट इसमें मैनेजमेंट काफी इफिशियटली तरीके से काम करता है यानी कि कुशल प्रबंध होता है मैनेजमेंट इसमें अच्छे लेवल का होता है इसमें भी आपको पता होना चाहिए एम और मैनेजमेंट uh, लाइन से जितने भी कोर्सेज होते हैं उनको किए गए उनको किए हुए बंदे की अपॉइंट किए जाते हैं इसके बहुत सारे पेपर्स भी होते हैं कंडक्ट कराया जाता है इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चों को भी प्रमोट uh, किया जाता है जो इसके पेपर जैसे एन का पेपर होता है ठीक है एन का पेपर होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो इसके पेपर्स इसको गेट इसमें आने के लिए आपको गेट आपको पता होगा गेट गेट एक पेपर होता है उसको पास करके जाना होता है तो यहाँ कहीं ना कहीं देखने को ये मिलता है कि इसका जो मैनेजमेंट है उसमें पढ़े लिखे बंदे आते हैं ठीक है अगला है हेल्दी कॉम्पिटिशन एक देश में अगर आपको कंपटीशन हेल्दी रखना है तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस वहाँ बहुत ज़रूरी है इसलिए कई बार ये कंपनियाँ ऐसे सेक्टर ऐसे फील्ड में इस्टेब्लिश की जाती हैं जहाँ पर प्राइवेट कंपनियों का पहले से बोलबाला है ठीक है जैसे आपने देखा होगा अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें आर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें ठीक है आर आई एल रिल कहते हैं इसको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तो आपने देखा होगा ये बेसिकली इनका जो मेन सेक्टर है वो है रिफाइनरीज ठीक है ये जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं कच्चे तेल को लाते हैं उनको रिफाइन करते हैं और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे डीजल पेट्रोल ठीक है ये सारी चीजें अब ऐसी जगहों पर ये देखा जाता है कि भाई गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ इसमें काम करना पड़ेगा वरना पेट्रोलियम की अगर रिफाइनरीज पर सिर्फ एक लोगों का कब्जा हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी मार्केट में प्राइजेज बहुत हाइक हो सकते हैं इसलिए एक हेल्थी कॉम्पिटिशन बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट कंपनीज ओपन की जाती हैं ऐसे लाइनों में आई होप कि क्लियर हो गया आगे बढ़े अब आते हैं डिमेरिट्स पर इनकी भी डिमेरिट्स हैं क्या क्या डिमेरिट्स हैं लैक ऑफ इनिशिएटिव पहल की कमी है पहल की कमी ये जो आपने अक्सर देखा होगा ना अगर कोई रैशनल बच्चा है मेरी तरह अगर कोई सोचने वाला है आप में से तो मेरी ऑडियंस में तो वो सोचता होगा ना सर कि सर हम लोग जो बोलते हैं उसी को बात अगली बात में काट देते हैं बिल्कुल हम जो बोलते हैं उसी बात को अगली बात में काट देते हैं यहाँ पर लैक ऑफ पहल की कमी गवर्नमेंट के ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप पहल की कमी करते हैं तो ये क्यों कहा जाता है ये कंपेयर कंपेटिवली बोला जाता है प्राइवेट सेक्टर्स जितनी पहल करता है उतनी पहल अगर ये करें तो ये प्राइवेट को टक्कर दे सकते हैं इसका साफ मतलब ये होता है समझ गए तो इनिशिएटिव की कमी होती है कोई भी एक नया इनिशिएटिव या पहल को मतलब समझते हो कोई एक नया सुझाव लेकर के बहुत कम चलते हैं लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं ठीक है ऐसा देखने को मिलता है अगला है आपका लैक ऑफ बिजनेस एक्सपीरियंस व्यवसाय के अनुभव का अभाव होता है गवर्नमेंट कंपनीज़ में हाँ ये मैं कह सकता हूँ इसको किसके बेसिस पे कहा जा सकता है पता है गवर्नमेंट कंपनीज़ में एक चीज़ मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ गवर्नमेंट कंपनीज़ में व्यवसाय का अनुभव कम है ऐसा क्यों कहा जा रहा है ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज के टाइम पर अगर एक सर्वे करके देखो तो प्राइवेट कंपनियाँ गवर्नमेंट कंपनियों से आगे निकल रही हैं ऐसा क्यों हो रहा है इसीलिए जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं इनके अनुभव में कमी है इसी वजह से ये फाइट नहीं कर पाते हैं अक्सर गवर्नमेंट कंपनियां घाटे में चलती हैं हैं या फिर मिनिमम प्रॉफिट कमा रही होती ठीक है अगला चेंज ऑफ पॉलिसीज एंड मैनेजमेंट नीतियों और प्रबंध में परिवर्तन बार बार देखने को मिलते हैं इसकी वजह से जो इनका डेली का काम का है वो ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट होता है कैसे होता है मैं बताता हूं सपोज करो कि कोई रूल रेगुलेशन है जिसके तहत ये कहा गया है कि एक कंपनी को मिनिमम uh, आपने प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो अगर वो हंड्रेड रुपीस की बना रही है तो एक सौ दस रुपये की बेचेगी ठीक है एक नियम के अकॉर्डिंग सपोज़ कर लो अब ये जो हंड्रेड रुपीस का प्रोडक्ट है एक सौ दस में बेच रहा है आप साफ दिख रहा है कि दस रुपये प्रॉफिट हो रहा है अब ये जो दस रुपये प्रॉफिट हो रहा है ये रूल चेंज कर दिया जाए अगर अगर गवर्नमेंट ने कोई रूल चेंज कर दिया तो जाहिर सी बात है अगर कंपनी एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन में कोई रूल रेगुलेशन चेंज होंगे तो वो सिर्फ प्राइवेट के लिए नहीं बल्कि गवर्नमेंट कंपनीज़ के लिए भी चेंज हो रहे हैं भाई और वहीं पर अगर ये आ गया कि अब गवर्नमेंट कंपनी जो जो भी कंपनीज़ होंगी इनमें रूल रेगुलेशन चेंज होकर ये कह दिया गया कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करना है अब आपको दस रुपये प्रॉफिट नहीं कमाना है नौ रुपये प्रॉफिट कमाना है तो ये अक्सर देखने को मिलता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं और मैनेजमेंट होता है इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अब ये एग्ज़ाम्पल ना सेट बैठता हो तो मैं एक एग्ज़ाम्पल और देख समझा रहा हूँ यहाँ पर ये नहीं कहा है कि गवर्नमेंट एक्ट टू में कोई चेंजेस होगा यहाँ ये कह रहा है वो एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है टू में चेंजेस होने का मतलब ये है बेटा ये जो भी चेंजेस होंगे वो गवर्नमेंट कंपनीज एज वेल एज प्राइवेट कंपनीज दोनों में देखने को मिलेंगे लेकिन यहाँ कह रहा है नीति और प्रबंधन में चेंज अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई ठीक है एक्ट चेंज नहीं हुआ है पॉलिसीज और मैनेजमेंट चेंज होता रहता है तो हर मैनेजमेंट चेंज होने पर क्या होता है हर मैनेजमेंट का अलग अलग तरीके से आ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है तो वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को आगे ले जाएंगे तो ये कुछ ऐसे दोष हैं जो इनमें देखने को मिलते हैं आई होप की टॉपिक क्लियर है बहुत छोटी वीडियो बनाने की कोशिश में हो फिर भी लंबी हो जा रही है जल्दी देख लेना आप लोग मेरी वीडियोस देखने के लिए आप कोशिश ये करिए कि मेरी वीडियो की स्पीड को 1.5x पे करके एक्सपे कर देखा करिए आप आप काफ़ी ज्यादा इजीली समझ पाएंगे और जल्दी ही वीडियो खत्म हो जाएगी ठीक है अब आप सभी से एक शिकायत भी है और मैं क्या बोलूँ कि शिकायत है आप लोग वीडियोस को देखते हो तो आपको पता है मेरे पास डेटा आता है आप किसी भी वीडियोज़ को मेरी जो पिछली वाली वीडियो उसका एवरेज वॉचिंग टाइम है टू मिनट्स यानी कि जो वीडियो मैंने तेईस मिनट की बनाई है उसको सिर्फ दो मिनट देखा जा रहा है तो ऐसा क्यों है मुझे नहीं समझ में आता बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग समझें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ठीक है आई होप कि पूरी वीडियो आपको समझ में आई और अगर आपको समझ में आई है अगर आपको लगता है कि हम उससे इससे कुछ फ़ायदा मिला है तो ही लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करिए ठीक है और अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है पी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो आपको वहाँ से मिल सकता है आप जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पी और पढ़ सकते हैं ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ऑल